मैं सारे सीक्वेंस में तो नहीं हूँ, मैं बस एक ही सीक्वेंस में हूँ जहाँ पर प्रताप को एक्चुअल में रियलाइज़ हो जाता है कि अभी उनकी उनका जाने का टाइम आ गया है। तो वो मुझे इमेजिन करते हैं कि अजब दे आई है और मुझे बोल रही कि चलिए अभी आपका समय आ गया है, हमें चलना चाहिए। तो मैंने वही एक सीन शूट किया है, पर हीना और जो बाकी के एक्टर्स हैं उन लोगों ने पूरा प्रताप के साथ जो उनका डेथ पे बीमार होना या बेड पे लेटना वो सब शूट किया है। तो आई एम श्योर इट्स बिन लाइक अ वेरी वेरी हैवी डे, एंड फॉर मी स्पेशली बिकॉज मेरी तो सारी मेमोरीज आ गई सामने। यस इट फील्स बैड दैट यू नो नाउ आई वोंट बी ड्रेस्ड अप एज अजब दे अगेन, एंड यू नो भानु प्रताप ख़त्म हो रहा है, बट आई एम सैटिस्फाइड, आई एम सेटिएटेड विद वॉट एवर कैरेक्टर आई प्लेड। और मुझे खुशी है कि मैंने इस रोल को फुल जस्टिस दिया है और अच्छे से किया। मैंने जब सुना कि इस शो में लास्ट एपिसोड में हम लोग महाराणा प्रताप की डेथ दिखा रहे हैं तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। मुझे लगा कि ऐसा एंड क्यों कर रहे हैं ये लोग, बट दिखाना ही था, नहीं तो शो का एंड भी ज़रूरी था। तो हम आज तो बहुत मस्ती के मूड में थे, पर जब हम शरद का सीन भी चल रहा था तभी भी मस्ती में ही थे, बट हमने उसके आंसू देखे तब तो हमें लगा कि नहीं ये रियल है, सच में रो रहा है ये। उसको भी बहुत बुरा लग रहा था तो हम काफ़ी इमोशनल हो गए और अब बुरा लग रहा है। हम दोनों की अगर आप बात करें तो बहुत अच्छी मेमोरीज है, क्योंकि हम दोनों के सीन्स भी इतने अच्छे होते थे, वेरी हाँ स्पॉन्टेनियस, हमें कभी रिहर्स करने की रिहर्स जरूरत नहीं करनी, करनी हाँ पड़ती ज़्यादा थी। टेक भी नहीं होते थे। हाँ हम समझ जाते थे कि क्या है क्या नहीं है, यू नो। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ मैं खुद की तारीफ नहीं करी, बट हम दोनों में मैंने एक चीज़ देखी, हम दोनों की आंखें बहुत बात करती, तो हम लोग दोनों आंखों आंखों में समझ जाते हैं दैट आगा। व्हाट वी हैव टू कन्वे, हमें क्या करना है। हाँ ये एक एक था मेरा हीना के साथ, एंड मैं चाहूँगी कि फ्यूचर में भी यू नो वी बोथ वर्क टुगेदर। महाराणा प्रताप की बात करेंगे तो मेरे बहुत मेमोरीज है, अब मैं एक एक बताने बैठूंगी तो पूरा पूरा दिन ही आप लोगों को ये सेगमेंट करना पड़ेगा, बट बहुत स्पेशल मेमोरीज है, अच्छी मेमोरीज है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये पूरा जो सेट था बहुत अच्छा था, बहुत पॉजिटिव था। यहाँ पे हमारा कोई नेगेटिविटी नहीं होती थी, कोई झगड़ा नहीं होता था, कुछ नहीं। सो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट, दैट वी वुड वर्क विदाउट फाइटिंग विद यू नो एनी थिंग, विद द प्रोडक्शन और एक्टर और एनी थिंग। सब अपने अपने काम में खुश थे, सेटिस्फाइड थे, और यू नो दे वर लाइक यू नो कि हाँ भाई हमें हमारा काम हो रहा है अच्छे से, दैट्स ऑल। अब मैं मिस करूँगी अजब दे का गेटअप, मेरी ज्वेलरी, मेरा रूम, मेरे कॉस्ट्यूम्स, सब कुछ मिस करूँगी, क्योंकि जैसे मैं पहले भी कहा, ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होती है, सो वन शुड ऑलवेज यू नो एन्जॉय जो भी मिलता है लाइफ में, क्योंकि आपको दोबारा शायद ये मौका बार बार ना मिल पाए। और मैं कैमरा में इसलिए नहीं देख रही हूँ, शायद मुझे रोना आ जाए, रोना। बट हाँ मैं मिस करूँगी आज अब दे। यस एक्चुअली हमने कल के बारे में सोचा ही नहीं, हमें ऐसा है कि ये दिन एंड ही ना हो, हम लोग अभी भी नहीं सोच रहे कि कब पैकअप हो, अभी भी नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि आज का दिन हम लोग इन्जॉय करें पूरी तरह, तो हमने कल के बारे में तो सोचा ही नहीं है। कल पता चलेगा कि क्या होगा, कि वापस वो कॉल टाइम नहीं मिलेगा, शूट पे आना, वही मेकअप दादा है दीदी सबसे मेकअप करवाना, इतने सुंदर तैयार करते थे वो हमें, तो याद तो बहुत आएगी, बट हमें अभी वो याद नहीं करना, हमें बस इन्जॉय करना है आज का दिन। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर ब्लेसिंग्स एंड योर टाइम एंड ऑल योर यू नो द वेल विशेज दैट यू गिवन अस। इसी तरह देते रहिए ताकि हम आगे भी आपको एंटरटेन करें, एंड दैट वी डोंट लेट यू डाउन। थैंक यू सो मच, आपने हम सबको पसंद किया और आगे भी हमें पसंद करते रहिए, और हम लोग जितनी मेहनत करते हैं तो आप प्लीज़ प्लीज़ हमारा ये शो तो आपने अच्छे से देखा ही, आगे भी जो भी काम करें प्लीज़ हमें देखते रहिए।